लौटे हैं, काश तुम भी हमारे साथ होते। रवि हाँ पिताजी, वो जरूरी काम ना होता तो हम भी मंसूरी जरूर आते। अच्छा यहाँ बताओ, वहाँ कैसा लगा, क्या क्या देखा, वहाँ से क्या क्या लाए वरुण? अरे एक साथ इतने सारे सवाल। रवि तुम लोग मुझे सब कुछ बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वरुण हम देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुँचे, वहाँ हम सब सुंदर झरना देखने गए। मोहन वहाँ से आगे का सफर हमने बस से किया, देहरादून से मंसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार सड़कें थी। रितु को तो चक्कर आने लगी थी। रितु झूठ, मुझे चक्कर नहीं, नींद आ गई थी, इसीलिए मैंने आंखें बंद की हुई थी। रवि मंसूरी में तो बहुत ठंड रही होगी। सिप्रा हाँ, जब हम वहाँ पहुँचे तब बारिश हो रही थी, इसीलिए ठंड बहुत अधिक बढ़ गई थी। मोहन वहाँ पहुँचते ही हम सब के स्वेटर पहन लिए थे। रवि रात को तुम लोग कहाँ गए थे? रितु मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंधन किया हुआ था। उस विश्राम गृह में कल कमरे थे, कई कमरे थे, हम सब अलग अलग कमरों में ठहरे थे। रमेश अरे मुझे भी तो कुछ बताने दो। वहाँ मौसम बहुत सुहाना था, हल्की हल्की गर्मी थी, कोहरे के कारण पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे सूर्य की किरणें पहाड़ियों पर बिखर कर उन्हें चमकीला बनाने लगी। बहुत सुहाना दृश्य था वहाँ। सीधा मंसूरी में चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए उन्हें पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रमेश दोपहर बाद हम सब बाजार देखने निकले, वही सब भोपाल में भी मिले हैं, सो खरीद नहीं की। ये देखिए पहाड़, ये है आपका मंसूरी का पहाड़, और जो ये है राइटर है, ये इंग्रेजी का राइटर जो वहाँ के मंसूरी के बच्चों को मिला था। मोहन अरे खरीदारी की बातें छोड़ो, मुझे तो कंपनी बाग याद आ रहा है। शिप्रा और मुझे कैप्टी फॉल ऊंचाई से गिरता झरना कितना सुंदर लगता है। लता सुनो रवि, बच्चों के लिए अंग्रेजी में कहानियां लिखने वाले रहस्य भान भी मंसूरी में रहते हैं, हमने उनकी एक एक किताब खरीदी, फिर उनसे मिलने गए। किताब पर उनके हस्ताक्षर किए, उससे तुम हमारी खरीदारी भी कर सकते हो, और मंसूरी में मिला सबसे अनमोल उपहार भी। रवि वे तो मेरी भी सिप्रा, मेरी भी प्रिय लेखक है, तुम उनकी किताब खरीदने में उनके हस्ताक्षर देना चाहूँगा। तुमने वहाँ और क्या किया? मोहन हमने वहाँ भुसावरे की तस्वीरें की थी। रवि वहाँ खाने के लिए कोई खास फल या मिठाई नहीं है? रमेश कुछ विशेष नहीं, हाँ एक स्वादिष्ट फल जरूर पहली बार वही खाने को मिला, उसका नाम है राम फल, वह अपने भोपाल में या आसपास के इलाके में नहीं मिलता। मोहन अगले दिन हम सब रेलगाड़ी से भोपाल वापस आ गए। लता आ तो गई पर इस यात्रा का जादू हम पर अब भी छाई हुई है। रवि अब तो मैं भी पिताजी के आग्रह करूँगा कि वे परीक्षा के बाद मुझे मंसूरी घुमाने ले जाएं। बच्चों आप बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, ग्रह कार्य शब्दांत और मौखिक जो कर्म कार्य
कारण ध